हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि फेसबुक का नाम कैसे चेंज किया जाता है। अगर आपका फेसबुक का भी नाम आप चेंज करना चाहते हो, जो भी करंट नेम है उससे आप दूसरा नाम चाहते हो कि वो दूसरा नाम पे हो जाए, तो यहाँ पे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो का अंत जरूर देखना। तो पहले आप लोगों को फेसबुक पर आ जाना है। आने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को नीचे की साइड पर 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद में आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का। तो यहाँ पे आप लोग क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग्स की ऑप्शन ढूंढ लेना है अभी। तो यहाँ पे सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आप लोगों को मेटा अकाउंट सेंटर का ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को पहला वाला ऑप्शन जो है पर्सनल डिटेल्स, तो यहाँ पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे करने के बाद में आप लोगों के सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा अकाउंट सेंटर। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को प्रोफाइल्स पर क्लिक कर देना, जो पहला वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप लोगों को ऑप्शन दिखाया जाएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन आ गया, क्योंकि फेसबुक के साथ में इंस्टाग्राम भी लिंक है, तो यहाँ पर आप लोगों को फेसबुक को सोर्स कर लेना है, ठीक है। तो इसके बाद में क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे नेम की जगह पे यहाँ पे सारा ऑप्शन दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे नेम की जगह पे आप लोगों को क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे करने के बाद में आपके सामने नेम का वो डैशबोर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, दोनों नेम को हटा देना है या आपका जो भी करंट नेम है उसको रिमूव कर देना है। तो इसके बाद में आप लोगों को जो नया नेम है वो दे देना है। तो इसके बाद में आप लास्ट नेम भी दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपना नया नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम हो गया, अभी लास्ट नेम दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, लास्ट नेम पे आप लोगों को अपना जो लास्ट नेम है वो दे देना है, सरनेम है वो दे देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने दे दिया। तो इसके बाद में क्या करना है आप लोगों को, रिव्यू चेंजेस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नेम्स ऑन फेसबुक कांट हैव टू मेनी कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे फेसबुक पे एक पॉलिसी है कि फेसबुक पे आप एक ही लाइन पे दो दो जो कैपिटल लेटर है वो नहीं दे सकते। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लास्ट पेज था, तो यहाँ पे इस स्मॉल कर देना, ठीक है। इसके बाद में आप लोग को रिव्यू चेंजेस पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आ गया। तो आपको नाम रिव्यू करने के लिए दिया जाएगा कि आप कौन सा नाम चाहते हो, कुमार अंकित या अंकित कुमार चाहते हो। तो यहाँ पर मेरे को ऊपर वाला नाम ही चाहिए, तो यहाँ पर सेव कर देना, ठीक है। सेव करने के बाद में नेम सक्सेसफुली अपडेटेड। तो यहाँ पे अगर आप, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो ये अपडेट हो गया। तो आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हो। अगर आपको पासवर्ड मंगा जाएगा कि यहाँ पे पासवर्ड देना है, तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपली जो लास्ट स्टेप है उसमें पासवर्ड दे देना है, तो आपका जो नाम है वो चेंज हो जाएगा। अगर अदरवाइज़ ऐसे भी हो जाता है कि बस फेसबुक आपको वेरीफाई कर पाए कि हाँ ये ओरिजिनल अकाउंट ऑनर है, तो आपको कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे ही किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना।